कीपर कीपर आज के मैच के दो अंपायर सईद अब्बास और शाकिर खान, तारिक पर विश्वास किया, गेंदी शटअप लैंड बॉल था, मुकम्मल तौर पर भीड़ हुए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा हज़रत डॉट कॉम के तमाम व्यूअर्स को हम जिन्ना क्रिकेट स्टेडियम हज़रत से खुश आमदीद कहते हैं। दूसरा सालाना काजी अहमद अकबर क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसका आज ये इम्पोर्टेंट मैच इफ्ती 11 हज़रों बमुकाबला बाबा 11 शाहडेर के दरमियान खेला जा रहा है। इफ्ती 11 हज़रों की इस वक्त बैटिंग जारी है। दो ओवर का खेल इख्तिताम पज़ीर हो चुका है, दायरे का ओवर ख़त्म हो चुके हैं जी, दो ओवर। बहुत बहुत शुक्रिया जी अली फलक साहब ने ज्वाइन किया जी, हमें हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अली फलक साहब, थैंक यू वेरी मच। खुर्शीद खान कैके ने ज्वाइन किया जी, कैके वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। जिन्ना स्टेडियम से लाइव मैच आप देख रहे हैं हमारा हज़रत डॉट कॉम की, पर चौधरी अब्दुल रशीद के साथ। दूसरा सालाना आल पाकिस्तान काजी अहमद अकबर टैप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट अफसर साहब, हफ्ते को आपका मैच ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला लाइव टेलीकास्ट करेंगे जी आपको मैच, आपसे मुलाकात भी करेंगे। इफ्तिखार इफ्ती जो के कैप्टन है इफ्तिखार 11 के, हज़रों के मायानाज बल्लेबाज, बाबा 11 शाहडेर के अगेंस्ट आज मैच खेल रहे हैं। उमर खान थैंक यू वेरी मच, स्लॉर ऑफ द बेस्ट बॉल था, मुकम्मल तौर पे बीट हुए बैट्समैन इस मरतबा। ये लाइव मैच आप देख रहे हैं जिन्ना क्रिकेट स्टेडियम हज़रों से। तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। वीडियो को काइंडली आपने शेयर करना है जी, वीडियो को एक मरतबा लाजमी आपने शेयर करना है। सूरत खान साहब ने ज्वाइन किया जी, बिल्कुल फिट फॉर जी, ओ वंस अगेन स्लॉर ऑफ द पेस बॉल फराज का, मुकम्मल तौर पर जुल्फिकार को बीट कर रहे हैं जी, एक्सलेंट बॉलिंग, शानदार बॉलिंग। थोड़ा वीडियो रिजल्ट और साउंड रिजल्ट के बारे में भी साथ साथ हमें बताते चले आप। अगला बॉल और इस मरतबा अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल, आज के इस बड़े मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं शाकिर खान और ज़हीर अब्बास डियर। अगला बॉल बीट हुए मुकम्मल तौर पे, बहुत ही उम्दा लाइन लेंथ से अब तक बॉलिंग की है बाबा 11 के इस नौजवान फास्ट बॉलर फराज ने। आज एक मरतबा फिर तहसील हज़रों में काफी हॉट डे है, अभी 6:15 हैं और अभी भी गर्मी की शिद्दत जो है वो काफी तेज है। आपको वीडियो के जरिए भी पता चल रहा होगा। तो काफी हॉट डे में ये नौजवान क्रिकेट खेल रहे हैं और हमारा हज़रत डॉट कॉम आपके साथ एनी टाइम हर ग्राउंड से बराए रास्त। ख़ास तौर के ऊपर हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त हज़रों से बाहर हैं, मैच नहीं देख रहे हैं, तो आपको हम हमारा हज़रों डॉट कॉम की ऊपर प्रोवाइड कर दी है ये सहूलत कि आप अपने इलाके की क्रिकेट देख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जी अफसर जानी ने ज्वाइन किया जी हमें यूएई से, परदेसी भाइयों के साथ हर लम्हा हर वक्त मौजूद हमारा हज़रों डॉट कॉम इंशाअल्लाह ताला। आतिफ खान आती ने ज्वाइन किया जी, शुक्रिया आती आपका, थैंक यू वेरी मच। आतिफ भाई खुद भी जो है बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं क्रिकेट के दिलदादा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम व्यूअर्स का, शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है जी हमारा हज़रों डॉट कॉम के ऊपर। 24 स्कोर है 3 ओवर के इख्तिताम पे, चौथे ओवर का खेल अभी शुरू होने वाला है।
तारिक हैं, बॉलर सामना कर रहे हैं इफ्तिखार इफ्ती। लेग स्टंप के बाहर बॉल, वाइड बॉल का सिग्नल दिया ज़हीर अब्बास डियर ने। वालेकुम अस्सलाम आफ्ताब अहमद, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे रेगुलर व्यूअर्स जनाब मियाँ अबीबुर रहमान ने ज्वाइन किया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी मियाँ साहब आपका। लाला रफीक, लाला रफाकत साहब ने ज्वाइन किया जी, वालेकुम अस्सलाम। लाला जी क्या हाल है आपका, ठीक ठाक हैं? आफ्ताब अहमद वेरी गुड जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को आपने कैंडली शेयर करना है जी ज़रूर, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये शानदार मैच जा सके। हाई फुल टॉस बॉल और वहां पे फील्डर मौजूद, लेकिन वो सिर्फ बॉल को देख सकते हैं। शानदार छक्का इफ्तिखार इफ्ती का, शानदार छक्का। ताहिर महमूद ने ज्वाइन किया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है। आशिक खान साहब ने ज्वाइन किया जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है हमें। amara.com के ऊपर ये शानदार मैच आप देख रहे हैं लाइव इस वक्त जिना क्रिकेट स्टेडियम हजरों से। अगला बॉल नीचे रहा, बॉल इस गेंद को शॉर्ट मिड विकेट खेला, वहां पर फील्डर मौजूद थे, फंबलिंग हुई वहां पर, दो रन का इजाफा। वालेकुम अस्सलाम इकराम जनून हजरो, व्हाट अ लवली स्ट्रोक बाय इफ्तिखार इफ्ती, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी तारिक की, जबरदस्त तरीके से खेल दिया डीप मिड विकेट के बाहर 6 रन के लिए, एक्सेलेंट स्ट्रोक जी, एक्सेलेंट स्ट्रोक। काफी टाइम से इफ्तिखार खेल रहे हैं छच की क्रिकेट में, आफ्टर के बार बार व्हाइट हो गई, यस व्हाइट बॉल का सिग्नल दिया अंपायर ने। जो जो ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाएगा, बड़े मैचेस आने के इम्कानात हैं कि ओह माय गुडनेस वंस अगेन सिक्स, ऑफ वाली थी और जबरदस्त तरीके से खेल दिया फ्रंट फुट पे जाके लॉन्ग ऑफ रीजन में 6 रन के लिए, शानदार छक्का, एक्सेलेंट छक्का। हमारे भाई अहमद नवाज साहब ने ज्वाइन किया जी, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद नवाज साहब आपका, थैंक यू वेरी मच, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है। अभी भाई अल्लाह ताला का करम जी, ठीक ठाक शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, इस मरतबा बच गए बॉलर केफ्ती ने, थोड़ा अर्ली खेल गए इस बॉल को और पूरी तरह बॉल जो है वो बल्ले पे नहीं आया, बरहाल एक रन मिला यहां पे। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, जुल्फिकार भी टाइम नहीं कर सके बॉल को, बॉल काफी ऊपर बल्ले के लगा, मिडल में नहीं लगा, दो रन का इजाफा। इस ओवर में काफी लूज बॉलिंग की है तारिक ने। मोहम्मद अमीर हमजा साहब ने ज्वाइन किया जी, बिल्कुल जी नाइस सिक्स, बिल्कुल जी नाइस सिक्स है। नवाज खान भाई हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दुबई से आप देख रहे हैं मैच, थैंक यू वेरी मच, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है। अली खान वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जी, आपने भी ज्वाइन किया जी हमें। जिना क्रिकेट स्टेडियम से लाइव मैच आप देख रहे हैं चौधरी अब्दुल रशीद के साथ और काजी अहमद अकबर क्रिकेट टूर्नामेंट का ये शानदार मैच जी इस वक्त जारी है जिना क्रिकेट स्टेडियम हजरों में। अच्छा बॉल इस मरतबा, अल्लाह का करम है जी अमन वाज भाई आप कैसे हैं, और एक मतलब फिर इफ्तिखार ने खेल दिया 6 रन के लिए, शानदार छक्का। बहुत अच्छे दिन थे जी अमन वाज भाई, पिछले साल इन दिनों में जो है वो हम साथ थे, कंपेन कर रहे थे इलेक्शन 2018 की, तो बहुत ही खुशगवार दिन थे और आपसे काफी यादें वाबस्ता हैं और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अगली बॉल और कार्ड बिहाइंड की अपील, अंपायर का सिग्नल की गेंद टांगों को छूने के बाद गई है जी विकेटी पर, गया तो हाथों में किसी किस्म की नुकसान नहीं है, स्टिल इफ्तिखार इफ्ती कैप्टन जो है विकेट पे मौजूद है।
जी हाँ अमन वाज भाई, गर्मी जो है काफ़ी है जी, सावन का मौसम है और बस है काफ़ी ज़्यादा। अगली बॉल इस मरतबा भी अच्छे तरीके से टाइम नहीं कर सके और दो रन का इजाफा, 58 हो गया जी स्कोर। इसरार अहमद ने हमें ज्वाइन किया जी हांगकांग से, बहुत बहुत शुक्रिया इसरार अहमद। ये मैच इफ्तिखार इफ्ती 11 हजरों वर्सेस बाबा 11 शाहडेर, आपके दोस्त इफ्तिखार इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं जी, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इफ्तिखार अब तक 59 हो चुका है स्कोर जी। पांचवें ओवर का खेल इस वक्त जारी है। इमरान खान अजहरी साहब ने ज्वाइन किया जी, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका, थैंक यू वेरी मच। दूसरा सालाना काजी अहमद अकबर आल पाकिस्तान टैप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट जिसका यह मैच है, बाबा 11 शाहडेर वर्सेज इफ्तिखार 11 हजरो। फंबलिंग हुई वहां पे और दो रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 61। शाकिर महमूद साहब ने ज्वाइन किया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई, तमाम इंतजामिया की जानिब से वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया जी तमाम व्यूअर्स का जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ जी amarazro.com के ऊपर। ये तमाम रौनकें जो हैं इस वक्त सजी हुई हैं जिनाह क्रिकेट स्टेडियम में। दूसरा सालाना काजी अहमद अकबर टैप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच आज बाबा 11 शाहडेर बमुकाबला इफ्तिखार इफ्ती 11 हजरों। और जैसे कि मैन कमेंट्री बॉक्स से अनाउंसमेंट हो रही है कि बहुत बड़े मैच ईद के बाद आने वाले, कल भी अनाउंसमेंट हो रही है जी अटक की दो साइडें आपस में टकराएंगी, तो कल का मैच भी बहुत ही शानदार मैच होगा इंशाल्लाह। 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आप लोगों के साथ बराह रास्त होंगे मैं amarazro.com के ऊपर जिनाह क्रिकेट स्टेडियम हजरों से। सऊदी अरब में शाकिर भाई आप मैच देख रहे हैं, आपकी मोहब्बत है आपका प्यार है जी, थैंक यू वेरी मच। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, इफ्तिखार ने उठा खेल दिया फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन वो सिर्फ गेंद को देख सकते हैं, पकड़ने की सकत उनके अंदर नहीं है। दो रन का इजाफा 63। मोहम्मद हुसैन बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, मोहब्बत है आपका प्यार है। ओह माय गॉडनेस, इफ्तिखार इफ्ती का एक और छक्का, चौथा छक्का इफ्ती के बल्ले से निकलता हुआ। इनका ये लोकल ग्राउंड है, इस पे काफी मैचेस खेल चुके हैं इफ्तिखार और इसकी तमाम खूबियों से बहुत ज्यादा आशना है। स्लो ऑफ द पेस बॉल किया था, अर्ली खेल गए बॉल को। यासिर खान जुल्फिकार मैच जीतना है, आपकी गुड लक जुल्फिकार के साथ ही, ठीक है। शॉट ऑफ लेंथ बॉल मिस कर गए एक मर्तबा फिर, तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ जी हमें, खूबसूरत मैच आपकी नजरों के सामने जिनाह क्रिकेट स्टेडियम नजरों से। अगला बॉल इफ्तिखार ने खेल दिया और गेंद गई है सपोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर, 6 रन। पांचवा छक्का इस इनिंग्स का इफ्ती के बल्ले से निकलता हुआ। जलालिया की टीम इसे ले रही है जी, बिल्कुल है जी जलालिया की टीम, इंशाल्लाह जब जलालिया का मैच होगा आपको amarazro.com के जरिए हम बता देंगे। रसूल खान वालेकुम अस्सलाम, तैमूर अहमद बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका भी, तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया जी जिन्होंने ज्वाइन किया जी हमें। 75 तक स्कोर पहुंच चुका है जी, अगर 5 हुए हैं ना जी। छठे ओवर का खेल इस वक्त जारी है जी, अभी ओवर कंप्लीट नहीं हुआ है, अंपायर ने सिग्नल दिया है कि खेल जारी है। 75 हो गए जी, 1 to go। वालेकुम अस्सलाम तैमूर,
75 स्कोर हो चुका है दो विकेटों के नुकसान पे। किस जगह मैच हो रहा है जी तनवीर साहब? यह मैच हो रहा है जी जिना क्रिकेट स्टेडियम हजरों में, दूसरा सालाना काजी अहमद अकबर क्रिकेट टूर्नामेंट जिना क्रिकेट स्टेडियम हजरों से लाइव आप देख रहे हैं हमारा हजरों डॉट कॉम पर। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, आई थिंक वाइड होगा। यस, वाइड बॉल को सिग्नल दिया अंपायर ने। 76 मोहम्मद जहर साहब, थैंक यू जी, थैंक यू। एक और खूबसूरत स्ट्रोक, एक और खूबसूरत छक्का, यह है इफ्तिखार इफ्ती। स्कोर मूव ऑन 82, 82 हो गया जी 6 ओवर के खत्म पे। आकिब खान, ये मैच हो रहा है जिना क्रिकेट स्टेडियम हजरों में जी, दूसरा सालाना आल पाकिस्तान काजी अहमद अकबर टैप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का ये मैच है। इफ्तिखार 11 हजरों बमुकाबला बाबा 11 शाहडेर। बहुत बहुत शुक्रिया जी शाकिर महमूद साहब, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, ये सब आपकी मोहब्बत है। छह ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ जी 81। हर वक्त खिदमत के अब्दुल हई लाला, सातवें ओवर का खेल इस वक्त जारी है। नेक्स्ट नंबर बॉल वाइट होगा, अगला बॉल इस मरतबा जुल्फिकार ने खेला जी, जुल्फिकार ने खेल दिया 4 रन के लिए, शानदार स्टॉक। टारगेट क्लब हजरों का मैच किधर है आज? टारगेट क्लब हजरों का फाइनल है जी कामरा में आज मियां शकील की टारगेट क्लब का फाइनल है। गुड लक टू मियां शकील, हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव टीम है मियां शकील की। अगले बॉल इस गेंद को फ्लिक कर दिया डीप स्क्वायर लेग की जानेब और 2 रन का मजीद इजाफा। जलालिया का मैच शाकिर भाई इंशाल्लाह आपको बता देंगे जी, हमारा हजरों डॉट कॉम पर शेड्यूल लग जाएगा तो इंशाल्लाह आपको बता देंगे। आप एक हमारा हजरों डॉट कॉम पर इनबॉक्स में मैसेज कर दें ताकि जिस वक्त हमारे पास शेड्यूल आए तो फौरी तौर पे हम आपको जलालिया के मैच के शेड्यूल दे सकें। हमारे तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है, कोई भी अगर आप इनफरादी तौर पर किसी मैच के बारे में पता करना चाहें तो इनबॉक्स में मैसेज कर दिया करें तो फिर हम आपको जो है वो आपकी पसंदीदा टीम का मैच कब है, किसके साथ है, ये बता दिया करेंगे। थैंक यू वेरी मच। विकेट ज्वाइन किया जी हमें कामरान वकास साहब, थैंक यू वेरी मच आपने ज्वाइन किया जी। ज़रा वीडियो के रिजल्ट के बारे में विकी कैंडली बता दें, साउंड और वीडियो का रिजल्ट आपको कैसा लग रहा है? मेहरबानी जी, हम जी
इसी असना में बॉल्ड हो गए यहाँ पे इफ्तखार अपना जुल्फिकार। आरिस खान हमारा azro.com पे लाइव आ रहा है ना, जिस पे आप देख रहे हो उस पे लाइव आ रहा है। तमाम मैचेस इंशाल्लाह इस पे लाइव आएंगे। और आई थिंक के मियां शकील का जो फाइनल है वो अभी मुझे पता नहीं है कौन सा पैच जो है लाइव कर रहा है। कामरा में मैच हो रहा है जी, वो फाइनल मैच है कामरा में। कामरा मुझे एग्जैक्ट मोहम्मद जहर ग्राउंड नहीं पता है जी, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि कामरा में मैच है। अब कामरा शहीन के अंदर मैच है या कामरा गांव के अंदर मैच है ये कंफर्म नहीं है जी। इब्राहिम आए हैं बैटिंग करने के लिए। लेग बाय की सूरत में मिला इब्राहिम को रन्स। अमन मलिक साहब वीडियो का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, हम कोशिश करते हैं जी कि आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट फ्राहम किया जाए। राशिद गुजर साहब ये बैटिंग जा रही है जी इफ्तखार 11 अजरों की। शॉट ऑफ रफ लेंथ बॉल और टॉप एज लिया लेकिन दो फील्डरों के दरमियान बॉल गिरा जी। एक रन का इजाफा और शानदार ने सेंचुरी मुकम्मल की जी इफ्तखार इफ्ती ने। शानदार इफ्तखार ने सेंचुरी मुकम्मल की। बहुत ही बढ़िया बैटिंग जिसमें 5 फलक शिगाफ छक्के शामिल हैं। अच्छी बॉल की अजहर ने अब तक इस सेकंड लास्ट ओवर में। सात ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ है जी। 94 है मजमूई स्कोर, 7 ओवर में 94 स्कोर है। मुजम्मिल नाम का लड़का है जी आपके पास कोई मुजम्मिल? बाबा 11 में तो मुजम्मिल नहीं है जी। अच्छा अच्छा प्लेइंग 11 में नहीं है, उसका सलाम आया है जी। हमजा आए जी बॉलिंग करने के लिए। इफ्तखार इफ्ती के सामने बैट्समैन 50 पे नॉट आउट है और नो बॉल होगी। नो बॉल का सिग्नल दिया अंपायर ने, हाई फुल टॉस थी, फ्री हिट मिलेगी इफ्तखार को। स्कोर बढ़ता हुआ 97 हो गया स्कोर और फ्री हिट अब होगी इफ्तखार इफ्ती के लिए। 52 पे नॉट आउट है इफ्तखार, 52 के इनफरादी स्कोर पे नॉट आउट है जी इफ्तखार। वालेकुम असलाम चौधरी ईशान। वाइट बॉल होगा आई थिंक। नो हो बच गया जी, वाइट से बच गया, डॉट बॉल हो गया, फ्री हिट पे बच गए, डॉट बॉल। आमिर शाह वीडियो क्लियर नहीं है, ठीक है जी कोशिश करते हैं कि रिजल्ट आपको अच्छे से अच्छा मिले। बॉल्ड हो गए इफ्तखार इस मरतबा तो 52 रन बनाने के बाद कैप्टन बैक टू पवेलियन। लेकिन बहुत ही शानदार इनिंग्स आज खेली जी इफ्तखार ने, बहुत ही शानदार इनिंग खेली। जुनैद खान ने ज्वाइन किया जी, शुक्रिया आपका जुनैद खान। तो यहाँ पे शानदार इनिंग्स का इख्तिताम हुआ इफ्तखार इफ्ती की। कैप्टन थे इफ्तखार 11 के, 52 रन बनाने के बाद आउट हुए। टीम का मजमूई स्कोर 97, टीम का स्कोर है 97। इफ्तखार 52 पर आउट हुए और अब आए हैं इसहाक। टैप बॉल क्रिकेट के बहुत ही मशहूर और मारूफ प्लेयर है हाफिज इसहाक। डॉट बॉल अच्छी बॉलिंग का मजा अब तक आखिरी ओवर में। जुल्फिकार को सलाम, वालेकुम असलाम। नूर भाई थैंक यू वेरी मच जी, हमें नूर भाई ने ज्वाइन किया जी, साबिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पीटीआई और बहुत ही हमारे मुखलिस दोस्त नूर खान साहब ने ज्वाइन किया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नूर भाई, थैंक यू वेरी मच। नूर भाई टूर्नामेंट की आपने अनाउंसमेंट की थी जी, वो कहाँ तक पहुँचा थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता दें।
तो पहली इनिंग्स में सिर्फ दो बॉलों का खेल भी बाकी है। गुरफरीन साहब ने ज्वाइन किया, शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। उठा खेला आउट होने खतरा, फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन थोड़ा सा पहले बॉल गिर गया फील्डर से, दो रन्स का इजाफा, बल्कि ओवर थ्रो की सूरत में तीसरा रन भी मिलेगा यहाँ पे। जुनैद खान, वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब आप यूके से देख रहे हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका वीडियो क्लियर नहीं है, वीडियो को आप करते हैं जी, आखिरी बॉल है, इसके बाद वीडियो को सेट करते हैं जी। इसाक ने खेला मिड विकेट, दो रन लाजमी होंगे यहाँ पे, और आउट हो गए आखिरी बॉल पे। जी जी ठीक है जी, नूर भाई वेलकम जी, वेलकम। और हमारा Hamara Hazro.com जो है आपका मीडिया पार्टनर होगा, तमाम मैचेस लाइव टेलीकास्ट करेगा Hamara Hazro.com इंशाल्लाह ताला। नूर खान बहुत बड़ा टूर्नामेंट लेके आ रहे हैं, आल पाकिस्तान लेवल का टूर्नामेंट होगा। कितने में था? एक सौ दो रन बनाए जी मुकर्रा, आठ ओवर में 103 रन का टारगेट मिला है बाबा अलेवन शाडेर को मैच जीतने के लिए। बाबा अलेवन शाडेर को मैच जीतने के लिए 103 रन का टारगेट मिला है। दूसरा आल पाकिस्तान काजी अहमद अकबर टैप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच जिनाक क्रिकेट स्टेडियम में जारी है। पहली इनिंग्स का खेल खत्म हुआ है, पहली इनिंग्स में इफ्तखार अलेवन हजरों ने मुकर्रा आठ ओवर में इफ्तखार की उम्दा बैटिंग के साथ स्कोर किया 102 आठ ओवर में, और 103 का टारगेट मिला है ये मैच जीतने के लिए। न्याजी गुल खान साहब ने ज्वाइन किया जी, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, वालेकुम अस्सलाम न्याजी भाई, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स मोबाइल हजरों के प्रोवाइडर, रूए रवा क्रिकेट के बहुत ही बड़े आशिक दिलदादा न्याजी गुल खान, वेलकम न्याजी भाई, वेलकम, थैंक यू वेरी मच। Hamara Hazro.com पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। किस किस टीम का मैच है? मैच है जी इस वक्त जारी है जिनाह क्रिकेट स्टेडियम हजरों में, बाबा अलेवन शाडेर बमुकाबला इफ्तखार अलेवन अजरो। इफ्तखार अलेवन ने मुकर्रा आठ ओवर में 102 रन बनाए हैं, इफ्तखार इफ्ती ने 52 रन की शानदार इनिंग खेली और अब 103 का टारगेट है। कल बहुत बड़ा मैच है, अपने व्यूवर्स को बताते चले, दोनों साइडें अटक की हैं। कल इंशाल्लाह ताला 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोनों साइडें अटक की हैं, बड़ा मैच है, अटक के प्लेयर कल आ रहे हैं खेलने के लिए, उम्मीद है कि ओपन प्लेयर भी कल शामिल होंगे। तो इंशाल्लाह मजीद तफसीलात जो है शाम को आपको Hamara Hazro.com पे हम पोस्ट के जरिए बता देंगे। बहरहाल कल बहुत बड़ा मैच है अटक की दोनों टीमों के दरमियान। थैंक यू वेरी मच तमाम व्यूअर्स का, बहुत बहुत शुक्रिया। न्याजी भाई इंशाल्लाह आपके पास कल तो फ्राइडे, सैटरडे को इंशाल्लाह मैं आऊँगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है मोबाइल कर रहा है जी, फिर तो इंशाल्लाह ताला मैं सैटरडे को जो है वो आपके पास आऊँगा जी लाजमी। आज इफ्तिखार खारू अलेवन की तरफ से एंड एक्शन थे, लेकिन उन्हें एक सौ तीन रन का हदफ दिया इफ्तिखार अलेवन हजरों। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह, नूर खान पीटीआई आपका नाम ही काफ़ी है, और हमें उम्मीद है कि बहुत बढ़िया टूर्नामेंट आप लेके आएंगे, हजरों की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा, तो बेस्ट ऑफ लक नूर खान पीटीआई। Hamara Hazro.com इंशाल्लाह पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट करेगा आपका टूर्नामेंट, और बेस्ट ऑफ लक।
شاکر خان، مظہر خان، پوتر اس پاسے سکور رحمان خان 102 رن بنائے ہیں جی مقررہ 8 اوور میں. افتخار 11 ازرو نے 103 رنز کا ٹارگٹ ملا ہے یہ میچ جیتنے کے لیے. بابا 11 شاہ ڈھیر کو دوسری اننگ کا کھیل آپ کی نظروں کے سامنے شروع ہونے والا ہے. انشاءاللہ آپ کمنگ جو ہے بہت ہی بڑا ٹورنامنٹ آ رہا ہے جناح کرکٹ اسٹیڈیم ازرو میں. نائٹ ہوگا یا ڈے ہوگا یہ ابھی ہم نور بھائی سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہو جی خریدے تو ابھی دونوں اوپننگ بلے باز جو ہے وہ کریز پہ آ چکے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بالنگ کا آغاز کون سا بالر کرتا ہے. افتی 11 کی طرف سے 103 رنز کا ٹارگٹ ملا ہے جی 103. علی ہیں بالر. جی جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. اے تو ابھی جو ہے وہ اگست میں کوئی بارشوں کا اتنا زیادہ شیڈول نہیں ہے نارمل ہی ہے. بہرحال ہمارے پاس اگست اور ستمبر کا مہینہ ہے دو مہینے جو ہے وہ پورے ہیں نائٹ ہو سکتا ہے. عثمان آئے ہیں بیٹنگ کرنے کے لیے. پہلا بال عثمان کا اور عثمان نے زبردست طریقے سے کھیل دیا یہ لانگ آن کے بعد 6 رنز کے لیے. عثمان ٹپانی ہی از آن فائر. میاں سہیل دیکھتے ہیں جی میاں سہیل کب آتے ہیں بیٹنگ کرنے کے لیے. ایک اور عمدہ سٹروک عثمان کا دوسرا چھکا یہ ہے عثمان ٹپانی اور جیسا کھیل رہے اگر کھیلتے رہے تو پھر بینڈ باجا بجا دیں گے. افتی 11 حضروں کا ایکسلنٹ بیٹنگ میں عثمان ٹپانی مائی گڈنس تیسرا چھکا چھکوں کی ہیٹرک ہو گئی ہے جی جناح کرکٹ اسٹیڈیم ازرو میں. عثمان ٹپانی 3 بولے 3 چھکے واٹ اے لولی بیٹنگ بائی دس مین. عثمان ٹپانی 3 بولے 3 چھکے بہت ہی فارم میں نظر آ رہے ہیں عثمان اور فارم میں نظر ہی آنا چاہیے بڑے پلیئر ہیں. علی از آن پریشر شٹ آف اینڈ بال وائڈ ہوگا یس وائڈ بال. 19 ہو گئے سکور بالے ہوئی ہیں صرف 3. عثمان کی بہت ہی تباہ کن اننگز 3 بالوں پہ 3 چھکے لگا چکے ہیں یہاں پہ. عثمان ٹپانی کو آؤٹ کرنا ہوگا. اگلا بال چوتھا چھکا 4 بولے 4 چھکے یہ ہے عثمان ٹپانی 4 بولے 4 چھکے اسکور بڑھتا ہوا 25. 4 بالوں میں 25 رن کنسیڈ کر چکے ہیں اب تک بالر. جی ہاں نور خان پی ٹی آئی ہم جو ہے وہ دعاگو ہیں جی بالکل آپ نے بہت ہی نیچرل بات کی ہے
کہ تمام دیکھنے سننے والے جو ہیں وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے دعا کریں اور اس جشن آزادی کو بھی ان کے نام کریں. اصل آزادی تب بھی ہوگی جب کشمیر آزاد ہوگا. اگلا بال بیٹ ہوئے اس مرتبہ, آف ٹرم کے باہر بال تھا, مکمل طور پہ بیٹس مین بیٹ ہوئے. بالکل جی, ہماری جو ریئل آزادی اس دن ہوگی جس دن ہمارا کشمیر آزاد ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھارتی درندوں کو جو ہے تباہ و برباد کرے جنہوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم اس وقت کیا ہوا ہے ہمارے کشمیر میں. اگلا بال ٹپانی کا پانچواں چھکا اس اوور کا, عثمان ٹپانی کا پانچواں چھکا اس اوور میں. کیا کمال کی بیٹنگ کر رہے ہیں عثمان ٹپانی, 31 رن کنسیڈ کیے ہیں علی نے پہلے اوور میں. پہلے اوور میں 31 رن بنے ہیں, پانچ چھکے عثمان ٹپانی نے لگائے ہیں اور ساتھ ہی ایک وائڈ بال تھا. ریاض خان نے جوائن کیا جی, بہت بہت شکریہ آپ کا ریاض بھائی, تھینک یو ویری مچ. میچ چل رہا ہے اس وقت جناح کرکٹ اسٹیڈیم حضروں میں اور شاندار میچ چل رہا ہے, بہت ہی بڑا میچ چل رہا ہے. وعلیکم السلام ریاض بھائی. بابا الیون شاڈیر کی طرف سے عثمان ٹپانی نے پانچ چھکے لگائے ہیں ایک اوور میں اور ٹارگٹ چیز کر رہے ہیں 103, 103 کا ٹارگٹ چیز کر رہی ہے بابا الیون شاڈیر. اس سے پہلے 102 رن بنائے مقررہ 8 اوور میں. افتخار افتی 11 حضروں نے, پہلا اوور بہت ہی مہنگا اوور یہاں پہ رہا, ایک ٹیمپو سیٹ کر دیا عثمان ٹپانی نے. فراز اب سامنا کریں گے اپنے کیپٹن افتخار خارون سے مشورہ کر کے اپنی بلڈنگ پہ دوبارہ سیٹ ہونے کے لیے جا رہے ہیں, کیونکہ پہلے دو اوور جو ہے دائرے کے اوور ہوتے ہیں, اس میں صرف دو فیلڈر دائرے کے باہر آپ رکھ سکتے ہیں, باقی تمام فیلڈر دائرے کے اندر ہوں گے. تو عثمان ٹپانی نے بہت ہی فائدہ اٹھایا دائرے کے اوور کا. چار رنز کا سگنل دیا امپائر نے, مس فیلڈنگ ہوئی یہاں پہ. اسکور بڑھتا ہوا 35, ابھی صرف 7 بالیں ہوئی ہیں, 35 رن ہو چکے ہیں جی. واف خان وعلیکم السلام, میچ کس کس کا ہے؟ میچ ہے جی اس وقت بابا الیون شاڈیر بمقابلہ افتخار افتی 11 حضرو. افتی 11 نے 103 رن کا ٹارگٹ دیا شاڈیر 11 کو اور شاڈیر 11 کی بیٹنگ جاری ہے, صرف 7 بالیں ہوئی ہیں سیکنڈ اننگ سے اور 35 رن اسکور کر چکے ہیں جی. ویڈیو صاف نہیں ہے, انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں جی ویڈیو آپ کو صاف ویڈیو کا رزلٹ ملے. شارٹ آف لینتھ بال وائڈ بال ہوگا, اسکور بڑھتا ہوا 36. اس وقت شاڈیر 11 کی بال بیٹنگ جاری ہے جبکہ بالنگ ہے افتخار افتی 11 حضروں کی. افتی 11 حضروں کی بالنگ ہے جی. زبردست طریقے سے کھیلا فیلڈر وہاں پر موجود اور ہو گئے جی یہاں پہ فراز آؤٹ. پہلا نقصان بابا 11 شاڈیر کو, افتخار اپنا فراز بیک ٹو پویلین. لیکن عثمان ٹپانی جو ہے اس وقت ناٹ آؤٹ ان آن سٹرائک اینڈ پر. جناح اسٹیڈیم سے لائیو میچ آپ دیکھ رہے ہیں, دوسرا سالانہ قاضی احمد اکبر ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ جس کا میچ ہے یہاں پر آج افتخار افتی 11 حضروں بمقابلہ بابا 11 شاڈیر. افتی 11 نے 103 کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے بابا 11 کے لیے اور بابا 11 کا اسکور ہے 36, ایک وکٹ کے نقصان پہ. دوسرے اوور کا کھیل جاری ہے. آپ کی محبت ہے جی, آپ کا پیار ہے نور بھائی. بالکل جی, کوشش ہے کہ تمام ویورز کو جو ہے وہ ہم کرکٹ کے میچز جو ہے لائیو ٹیلی کاسٹ کریں. اگلی بال اور اس مرتبہ شاندار طریقے سے کھیل دیا, گیند گیا سیدھا سپورٹ کمپلیکس کے اندر 6 رنز کے لیے, آتے ہی چھکا. آپ کی محبت ہے, آپ کا پیار ہے, آپ کا اس نے زر ہے نور بھائی کہ آپ اتنی عزت دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو بھی عزت دے, سلامتی دے اور جس طرح آپ خدمت خلق کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ آپ سے خدمت خلق کا جذبہ جو ہے یہ سلامت رکھے اور یہ کام لیتا رہے. اگلی بال نیکسٹ نمبر, یہ بال تھی آئی تھنک کہ امپائر کا سگنل دیکھنا پڑے گا, وائٹ بال. حافظ اسحاق گیند کو پکڑنے میں ناکام رہے, 5 رنز کا سگنل دیا جی امپائر نے, یہاں پہ 5 رن ملے ہیں. عبد الماجد صاحب نے جوائن کیا جی, ماجد صاحب آپ کے گاؤں کی ٹیم کھیل رہی ہے جی اور کیا شاندار کھیل رہی ہے.
हुसैन भाई ने ज्वाइन किया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है। लाइव मैच आप देख रहे हैं हमारा .com के ऊपर जिना क्रिकेट स्टेडियम हजरों से। इफ्तिखार इफ्ती 11 हजरों का मुकाबला बाबा 11 शाइडर। ओ नो बॉल होगा, नो बॉल का सिग्नल दिया शाकिर अली ने, फ्री हिट मिल गई है उस्मान टिपानी को, उस्मान टिपानी को फ्री हिट मिल गई है। माजिद भाई नाम लिखाया हुआ है बाबा 11 शाडेर, तो पांडक और शाडेर की मिक्स टीम खेल रही है। अरसलान सल्लू हैं बॉलर, सामना करेंगे उस्मान टिपानी, 5 छक्के लगा चुके हैं अब तक। और ये बहुत ही उम्दा बॉल थी, बच का है मैं समझता हूँ, बॉलर स्लर ऑफ द पेस बॉल किया था, लेग बाई की सूरत में मिला 1 रन। इकतालीस हो गया स्कोर जी, दूसरे ओवर का खेल जा रही है। ओ अच्छी बॉल इस मरतबा सल्लू की, 2 ओवर एक बॉल बाकी है जी। जी नूर भाई मैच एक तरफ लग रहा है क्योंकि इतनी स्ट्रांग बॉलिंग मुझे नहीं लग रही है इफ्तिखार इफ्ती 11 की, और उस्मान टिपानी जो है बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। उस्मान टिपानी की विकेट अगर गिर जाती है तो फिर मैच में कुछ बनता है, अदरवाइज मैच जो है बाबा 11 के हक में इस वक्त। मोहसिन अब सामना कर रहे हैं सल्लू का, वाइड बॉल और इस मरतबा बहुत ही उम्दा विकेट कीपिंग, थर्ड मैन पे खड़े हुए फील्डर ने रोका जी बॉल को, वाइड बॉल का सिग्नल दिया अंपायर ने। यान हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मोहब्बत है आपकी, प्यार आपका प्यार है। इफ्तिखार इफ्ती जो है काफी परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके बॉलर जो है स्कोर काफी ज्यादा दे चुके हैं जी अब तक, बाबा 11 मुकम्मल तौर पे। अच्छी बॉल इस मरतबा, ये वो लाइन लेंथ जो मेंटेन करनी होगी, 2 ओवर के इख्तिताम पे 52 हो गए स्कोर जी, 52 सॉरी इस वक्त 51 था, मैं 41 बोल गया, तो 52 है जी 52। अब बाकी मानदा 6 ओवर में 51 रन चाहिए, 6 ओवर में 51 रन चाहिए, 2 ओवर में 52 हो चुका है जी। और नूर भाई मैन कमेंट्री बॉक्स की बात कर रहे हैं आप कि मैन कमेंट्री बॉक्स से जो है कमेंट्री करें, तो फिर ये हमारा हजरों के ऊपर कौन करेगा जी? या तो ये है कि वहां से ऊपर जो है वो एक हेवी कैमरा मेरे पास हो कि ऊपर कमेंट्री बॉक्स ही जो है वो मैं फिक्स कर दूं अपना विकेट के ऊपर कैमरे को, लेंस जो होता है मोबाइल के साथ लेंस कैमरा जो लगा हुआ होता है ना वो वाला, तो फिर तो मैं वो दोनों के लिए इकट्ठी कमेंट्री कर सकता हूँ। बहरहाल कोशिश करते हैं जी आपको बेहतर से बेहतर जो है वो कमेंट्री प्रोवाइड की जाए। 2 ओवर का खेल खत्म पजीर हुआ है, 52 है मजमू स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे, और अब आए हैं जुल्फिकार बॉलिंग करने के लिए, उस्मान टिपानी है उनके सामने बैट्समैन। अच्छा बॉल जुल्फिकार, लेकिन लास्ट टर्म से काफी बाहर बॉल था, वाइड बॉल का सिग्नल दिया है जी। शाकिर खान और जहीर अब्बास डियर आज के मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं। वेलकम जी, वेलकम नियाजी गुल भाई, वेलकम, आप ग्राउंड में आए खुश आमदीद, वेलकम, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आए जी जरूर आए। जुल्फिकार शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, पुल करने के अंदाज में गए, बॉटम इसमें लगा बॉल बल्ले के, लॉन्ग ऑन पे इफ्तिखार इफ्ती खुद फील्डिंग कर रहे हैं, 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 54, 1 विकेट के नुकसान पे, तीसरे ओवर का खेल जा रही है जी। 103
103 रन का टारगेट सामने है चेस करने के लिए, और बहुत ही बढ़िया अंदाज में दोनों बल्लेबाज जो है अपने टारगेट की तरफ जा रहे हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, मौसम ने पुल कर दिया गेंद को। ओ माय गुडनेस, बहुत ही 100 फील्डिंग की है, यकीन तौर पे 3 रन बचाए हैं यहाँ पे अपनी टीम के लिए फील्डर ने। स्कोर मूव 155 फॉर लॉस्ट ऑफ 1 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। 103 चेस करने हैं और अब है उस्मान टिपानी। ओ माय गुडनेस, क्या ड्रॉप हो गया, क्या ड्रॉप कर दिया हाफिज इसहाक ने उस्मान टिपानी का। इनसाइड एज लिया था, थोड़ा नीचे था लेकिन कैरी करना चाहिए था। तो टिपानी की यहां पे बैटिंग जारी है और एक चांस भी मिल गया टिपानी को। शानदार अब तक बल्लेबाजी की है उस्मान टिपानी ने। अगर ये मैच विन करना है तो फील्डर को बॉलों पर इत्मीनान करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैच अगर जीतना है तो इस तरह के कैचेस जो है लाजमी करने होंगे। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, पुल कर दिया गेंद को लॉन्ग लेग के बाहर, 6 रन के लिए, 6 रन का सिग्नल दिया है जी अंपायर ने। लेग स्टंप पर बॉल था, मोहसिन ने गेंद को पुल कर दिया था 6 रन के लिए। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक हिट बाय मोहसिन। स्कोर मूव 162 फुल लास्ट ऑफ 1 विकेट, ओनली थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। स्वर ऑफ द बेस बॉल, सीधी बल्ले के साथ खेला लॉन्ग ऑन रीजन, वहां पे है फील्डर मौजूद, 1 रन का इजाफा। स्कोर मूव 163 और तीसरे ओवर का खेल है जारी। उस्मान टिपानी और मोहसिन दो इनफॉर्म बैट्समैन यहां पे मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया जी अब्दुल माजिद साहब आपका, बाबा 11 पांडक शडेर। शॉट ऑफ द बॉल, टिपानी का बढ़िया चक्का, व्हाट अ लवली स्ट्रोक बाय टिपानी। यह है उस्मान टिपानी, अगर इनिंग्स खेली इफ्तिखार इफ्ती ने तो रिप्लाई कर रहे हैं उस इनिंग्स को उस्मान टिपानी। 7वां छक्का और आई थिंक के 45 पे भी पहुंच चुके हैं टिपानी। 5 रन चाहिए शानदार ने सेंचुरी के लिए। 69 हो गए स्कोर, 3 ओवर का खेल कंप्लीट हुआ। उस्मान टिपानी ही इज ऑन फायर। इब्राहिम को बॉलिंग करने के लिए बुलाया है लेकिन पानी सर से गुजरता जा रहा है। जैसे हमारे भाई नूर खान ने कहा था कि मैच एक तरफा लग रहा है, तो बिल्कुल जी, 3 ओवर में तकरीबन 70 हो चुका है। 34 रन मजीद चाहिए अब 5 ओवर में, 5 ओवर में 34 चाहिए और लग ऐसे रहा है कि 2 ओवर में 34 बन जाएंगे। शानदार बल्लेबाजी उस्मान टिपानी की, 45 पे है नॉट आउट। फ्लिक कर दिया मोहसिन ने, मोहसिन का छक्का, जहां से उस्मान टिपानी छोड़ते हैं बॉल को वहां से ज्वाइन कर लेते हैं मोहसिन। एक छक्का टिपानी का तो दूसरा छक्का मोहसिन का, दोनों बल्लेबाजों ने आपस में जो है वो तहैया किया हुआ है कि एक छक्का तुमने लगाना है, एक छक्का मैंने लगाना है। स्कोर बढ़ता हुआ 75-75। लेग स्टंप पर बॉल, वाइड बॉल, 76-76। मैच के एंड पर हम आपकी गुफ्तगु इन दोनों प्लेयरों से करवाएंगे, अगर ये कैमरे के सामने शर्माए नहीं तो। इलाका छाछ के तमाम खिलाड़ियों की एक ये जो कमी है इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कि कैमरे के सामने आके बोलते नहीं है जी। मैं बहुत कोशिश करता हूँ इंटरव्यू लेने के लिए। ओ माय गुडनेस, वंस अगेन छक्का, मोहसिन का दूसरा छक्का इस ओवर में। स्कोर बढ़ता हुआ 81-81। उस्मान टिपानी के 5 रन जी, उनको बैटिंग करने दे, उसकी 50 मुकम्मल करने दे। मोहसिन इज ऑन फायर, बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं मोहसिन, 2 छक्के लगा चुके हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 81-81। उठा के खेल दिया इफ्तिखार इफ्ती, गेंद के नीचे आने को ये कर रहे हैं और यहां पे हो गए मोहसिन आउट। मोहसिन फ्लिक करने के अंदाज में गए थे, टाइम नहीं कर सके बॉल को, लेकिन बहुत ही शानदार इनिंग खेली है मोहसिन ने, बरक रफ्तार इनिंग खेली है मोहसिन ने।
सुफियान आए हैं बैटिंग करने के लिए, 5 रन चाहिए उस्मान टिपानी को शानदार निस सेंचुरी के लिए। उस्मान टिपानी ही इज ऑन फायर, जस्ट 5 रन रिक्वायर्ड टू द वेरी गुड हाफ सेंचुरी। और टिपानी ने इस तरह अपनी शानदार निस सेंचुरी मुकम्मल की, शानदार निस सेंचुरी उस्मान टिपानी की। व्हाट अ लवली बैटिंग बाय दिस मैन उस्मान टिपानी, शानदार निस सेंचुरी। क्या कमाल की इनिंग खेली आज उस्मान टिपानी ने। इफ्तिहार इफ्ती ने अगर निस सेंचुरी लगाई तो फिर जवाब में निस सेंचुरी आई उस्मान टिपानी के बल्ले से। जबरदस्त एक्सीलेंट बैटिंग बाय उस्मान टिपानी। एक और उमदा स्ट्रोक टिपानी का, इस मरतबा एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री के बाहर गई बॉल 4 रन के लिए। 92 रन हो गए जी, सिर्फ 11 रन मजीद चाहिए। उस्मान टिपानी ही इज ऑन फायर, क्या कमाल की इनिंग खेल रहे उस्मान टिपानी। 11 रन मजीद चाहिए जी, चौथे ओवर का खेल जारी है। ओ लेग स्टंप पर ये बॉल था, उस्मान टिपानी जोरदार तरीके से खेलने के लिए गए, नाकाम रहे। 4 ओवर में 92 रन जी, क्या कमाल की इनिंग्स है जी टिपानी की। 4 ओवर में 92 रन हो चुके हैं जी, मजीद 4 ओवर में 11 रन चाहिए। आउटस्टैंडिंग बैटिंग है उस्मान टिपानी की, 54 पे नॉट आउट है। शानदार ने सेंचुरी उस्मान टिपानी की। लेग स्टंप पर बॉल वाइट होगा, जी हाँ शानी खान 3 छक्के लगाए हैं जी। बिल्कुल अब्दुल माजिद, उस्मान टिपानी ने एक्सलेंट बैटिंग की है जी और आपकी टीम को जितवा दिया है जी आज। उस्मान टिपानी कोई बोल सकेगा, कोई इंटरव्यू वगैरह से ले तो ये बात याद करेगा अपने माजिद भाई। उस्मान टिपानी मीडिया के सामने कोई बातचीत कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ मैच के बाद उनसे इंटरव्यू लूँ। अब मजीद 10 रन जी, यस वाइड बॉल, 9 रन रह गए जी। बिल्कुल असद खान, ये हाईलाइट्स लग रही हैं जी, छक्का छक्का चौका चौका। व्हाट अ लवली बैटिंग बाय उस्मान टिपानी एंड मोहसिन। डेविड वर्नर के अंदाज में खेले हैं जी सुफियान ने, दाएं हाथ के बैट्समैन है और वो बाएं हाथ के बैट्समैन है, और दाएं जाने बॉके खेलते हैं और ये बाएं जाने बॉके इन्होंने खेला। मुबारकबाद बाबा 11 के लिए। बिल्कुल जी, शायद महमूद साहब आपकी मुबारकबाद देते हैं जी बाबा 11 को। एक और वाइड बॉल, थोड़ा रिस्पेक्ट दे रहे हैं बॉलर को उस्मान टिपानी और कोशिश कर रहे हैं कि विनिंग स्कोर जो है वो सुफियान लगाए। अगला बॉल, जबरदस्त
वीडियो रिजल्ट ज़रा भी ठीक नहीं है जी। आदिल महमूद कोशिश कर रहे हैं जी, यहाँ पे कोई सिग्नल का प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर वीडियो जो है प्रोवाइड की जाए। यासिर खान आपका सलाम जो है हम जुल्फिकार तक पहुंचाते हैं जी। वालेकुम अस्सलाम, वीडियो नहीं अच्छी जी, वीडियो जुल्फिकार सलीम साहब मैं कोशिश कर रहा हूं, यहां सिग्नल का प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। जेएस के सिग्नल है, जेएस की सिम पे हम लाइव कर रहे हैं मैच, तो प्रॉब्लम यहां पे आ रहा है थोड़ा सा सिग्नल का। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं बेहतर से बेहतर वीडियो आपको प्रोवाइड की जाए, क्योंकि हमारी तमाम तर कोशिश जो है अपने व्यूवर्स के लिए है। या पानी का वक्फा है, तो पानी के वक्फे के बाद जो है दोबारा खेल शुरू होगा। मैच ऑलमोस्ट जो है जीत चुकी है जी इस वक्त बाबा इलेवन पांडक शाह डेर। तायर को मेरा सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तो आज की ये शानदार उस्मान टिपानी ने तो इस वक्त हम कोशिश करते हैं कि उस्मान टिपानी के साथ जो है वो आपकी बातचीत करवाई जाए। उस्मान साहब तो नाजरीन इस वक्त इस मैच के हीरो उस्मान टिपानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलो आवाज है थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा था कि वो कैमरे के सामने आने से जो है वो कर रहे हैं, उनके कैप्टन से हम गुजारिश करेंगे वो आ जाएंगे। कैप्टन कौन है टीम के? तो उस्मान ने बहुत ही उम्दा इनिंग खेली जी और वन साइडेड मैच कर लिया। व्यूवर्स जो है वो भी देख रहे थे, तीन ओवर में जो है आपकी टीम ने मैच विन कर लिया। उस्मान की इनिंग्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं जी? हमें पता था 150 रन भी हो जाए तो इंशाल्लाह उस्मान टपानी और फराज और सुफियान हमारी टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो 5-6 ओवर में मैच खत्म कर सकते हैं, हमें इंशाल्लाह अंदाजा था इसका। उस्मान इन दिनों में बहुत फार्म है, 2-3 जगह इन्होंने सेमीफाइनल तक हमें पहुँचाया है, अच्छी बैटिंग फार्म में। माजिद भाई जो के आपके बहुत बड़े फैन है, आपके टीम के जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, उनका सलाम भी और बहुत सारे और व्यूअर्स का आपके लिए सलाम। तो maharashtra.com के ऊपर ये लाइव मैच चल रहा था, दुनिया में के तमाम ममालिक में बराह रास्त देख रहे थे आपका, दुबई, सऊदी अरेबिया, उसके अलावा UK, मलेशिया, तमाम जगहों से जो है वो सलाम आए। क्या कहना चाहते हैं व्यूअर्स के लिए? जो भी मेहमान बाहर मुल्क से पाकिस्तान से जिदत भी देख रहे हैं उनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह हमारे टीम के लिए दुआ करते रहे, खास तौर पर उस्मान टिपानी के लिए। उस्मान टिपानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये इनके कैप्टन थे और उस्मान टिपानी जो है वो थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। ज़हीर अब्बास के पास चलते हैं जी, इस टूर्नामेंट के जो है वो रूह रवाम भी है और अंपायरिंग कर रहे थे। ज़हीर अब्बास साहब बहुत बहुत शुक्रिया, कैसा टूर्नामेंट चल रहा है, कैसा टैलेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं और maharashtra.com के लिए क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं कहता हूँ कि ये टूर्नामेंट हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, यंग टैलेंट सामने आएगा और जितना हमारा लगा अच्छा इसमें टैलेंट और उभरेगा ये टूर्नामेंट से इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा होगा। और इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि ये बैट्समैन है हमारा है नटोबा के, बहुत अच्छी बैटिंग की है, काफ़ी बैटिंग की, पिक कैप करता है, बाल को अगली बाल को पीछे खेलता है, अगली बाल को पीछे बाल को अच्छे खेलता है, अगली बाल को अच्छे खेलता है। तो मैं कहता हूँ अगर इस तरह के टूर्नामेंट होते रहें तो इंशाल्लाह ताला अज़ीम मैं कहता हूँ काफ़ी खिलाड़ियों में खाड़ पैदा होगा इंशाल्लाह, तो काफ़ी टैलेंट सामने आएगा इंशाल्लाह। और बड़ी टीमों के बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को बता दें कि कौन कौन से बड़े क्लब जो है वो इंटर हो चुके हैं और ईद के बाद कोई चंद बड़े मैचेस आने की तवक्को है? अभी पेशावर टीम 11 आ गई, बहुत अफजा टीम है, उन्होंने चैलेंज किया कि हमारे मतलब के खुरम चकवाली के साथ टीम के साथ मैच है वो भी आएगी इंशाल्लाह, आसम मटो तम्बू मिर्जा सब जैसी टीमें आएंगी उनकी, तो वो बड़ी टीमें होंगी, जब होंगी तो बड़े क्राउड भी आ गया इंशाल्लाह, काफ़ी मतलब खिलाड़ी को इंजॉय मैच देखने का इंजॉय करने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। दूसरी बात है काफ़ी मतलब के पैदा खिलाड़ी और भी होंगे, इनको तमीर मुर्दा हमारे पास लगे में छाई पैदा होंगे काफ़ी होंगे और इंशाल्लाह दला मैं कहता हूँ हमारे लगे में अगर ग्राउंड टेनिस बाल के से हों तो काफ़ी खिलाड़ी टेनिस बाल के पैदा हो सकते हैं और जितनी मैं कहता हूँ लगा छाइड में टैलेंट तारीफ की जाए बहुत कम है और इंशाल्लाह दला जब तक ये टूर्नामेंट होता रहेगा टैलेंट सामने आता रहेगा इंशाल्लाह।
और व्यूअर्स के लिए क्या कह रहे हैं हमारा .com के व्यूअर्स जो है रोजाना लाइव बहुत अच्छा है जी। मैं जितना भी तारीख होता हूँ मुझे रोज टेलीफोन आते हैं कि मैंने आपकी कैंपेन देखी, आप सोन की थी, आप कमांड देते थे तो मुझे आते रहते हैं। तो वो कहते हैं ये कम अज कम मेरे वाले डेली जो आप रिकवरी करते हैं कम 1-1.5 लाख आदमी मैं इनको देखता है मेरे को। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो परदेसी भाई हैं जिनके पास टीवी नहीं है या रिश्तेदार नहीं है वो मोबाइल पर देखकर मैच देखकर इंजॉय करते हैं। इस वक्त ज्वाइन किया जी हमें टीम के कैप्टन ने, तो कुछ कहना चाहते हैं आप? कैप्टन साहब जो हमारे जो है ना जी वो हरी नौखार बच्चे हैं वो कम शर्मा रहे हैं तो शर्माने जी बात खुल करना चाहिए क्योंकि जितना बच्चा जब बांग रान सीखेगा बोलेगा तो रान सीखेगा ना। आ जाए अल्ले यार नहीं यार किली वाला राजा यार लिखा खबर के। तो मैं आप सबका का शुक्रिया अदा करता हूँ चौधरी शेख रशीद साहब बाकी जितने क्राउड आए हमारे इनका सब शुक्रिया करता हूँ जो हमारे साथ टूर्नामेंट कमेटी में ताउन कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद जो मेहमान खुशी आने वाला कितनी वक्त दिया उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी जो टीम जीती मैं उनको वेल प्लेट कहता हूँ जो आ गई उनको हार्ड लक कहता हूँ। ठीक है थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैच तो यहाँ पे जीत लिया है जी बाबा 11 शाडेर पांडक ने और चूँकि इस वक्त हालात ऐसे चल रहे हैं कि वतन अजीज पाकिस्तान का जो है वो हमने नाम रोशन करना है पाकिस्तान को इज्जत देनी है तो यहाँ मिल के हम पाकिस्तान का एक नारा लगाएंगे। मेरा नारा लगाऊंगा और जितने हमारे व्यूअर्स हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद उन्होंने कहना है पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी।